फ्रेंड्स यहाँ पर बैठकर हम लोग चिप्स खा रहे हैं। दूर दूर तक जो रश है, और ये हम मज़ारे क़ाइद के सामने बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी इतना रश है। और अभी हम लोग चिप्स खा रहे हैं। चारों तरफ से। और यहाँ हम मज़ारे क़ाइद के बाहर बैठकर ये देख रहे हैं कि गवर्नर ने जो कहा था कि फंक्शन होगा, तकरीब होगी, वो कहाँ होगी। हम अभी तक यही सोचे जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं इंस्टाग्राम पर अपडेट्स। और यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी आई हुई है रेस्क्यू के लिए, खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। तो यहाँ पर तुम्हारी आवाज क्यों कम हो गई? तो एक और बहुत खूबसूरत आवाज है, बहुत सारी तालियां मुनीब। तो यहाँ पर बहुत सारे सिंगर्स आए हुए हैं। अभी हमें पता चला है कि यहाँ पर आस मज़हर भी आने वाला है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फायरवर्क होने वाली है। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और इतना ज़्यादा क्राउड है ना यहाँ पर कि क्या बताऊँ मैं आपको। और सिर्फ दूर दूर तक सर ही सर नज़र आ रहे हैं, तो बस नज़र ही नहीं आ रहा। कोई कहीं चढ़ा हुआ, कोई कहीं चढ़ा हुआ, और बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारे सिंगर्स आए हैं, रॉक आर्टिस्ट आए हैं, बहुत मज़ा आने वाला फायरवर्क। शुरू हो चुकी है, पार्टी शुरू हो चुकी है, और साथ साथ ये रिमझिम भी है। इस बरसात का भी मजा लो। और एक बात सबने इस नारे में जोर से बोलना है, ठीक है? पाकिस्तान, ठीक है? अभी हम सबने बहुत हल्के बोलना है और बताना है कि हम सवाल समझ रहे हैं। हमने बहुत हल्के बोलना है, ठीक है? पाकिस्तान। अबे हल्के बोलना है मेरे भाई, पाकिस्तान, ठीक है? आप पे सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस रिकॉर्ड के ऊपर हम स्टंप लगाएंगे नारा लगा के पाकिस्तान। ये आवाज जानी चाहिए गिनीज बुक के ऑफिस तक, लंदन तक जानी है, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पहले आपसे पूछ लेता हूं, तकरीर सुननी है या हकीकत कड़ी कड़ी कड़वी? सिर्फ दिखाने का मकसद ये बताना है कि अगर मेरे लोग यहां खड़े हैं तो आपके अपने लोग भी, साले भाई का बेटा मुस्तफा हमारे पास से अपने घर बैठकर वही कोर्स ऑनलाइन करेंगे। उम्मीद है आपको हमारे व्लॉग में बहुत मज़ा आया, और अगर मज़ा आया तो लाइक कर दो यार, अगर नहीं आया तो भी लाइक कर दो, क्योंकि बहुत टफ व्लॉग था ये। इतने क्राउड में व्लॉग बनाना, हमारा एक दो दफ़ा मोबाइल भी गिरने लगा था और 2-3 आंटियाँ मेरे ऊपर गिर गई, उनको धक्का पड़ा और वो मेरे ऊपर गिर गई। सोचो मेरा क्या हाल हुआ होगा, इतने चक्कर आ रहे थे, इतने चक्कर आ रहे थे, बहुत क्राउड था। और वहाँ पर ज़फ़र अब्बास भी आए हुए थे, वसीम बदापे भी आए हुए थे, और गवर्नर ऑफ सैन ने सारा जो है अरेंजमेंट किया, और बहुत ज़्यादा हम मज़ा आया जब फायरवर्क हुई। और पहले तो मुझे चक्कर आ रहे थे, बट फायरवर्क हुई तो मेरा थोड़ा सा मूड ठीक हुआ और इतना मज़ा आया ना। और वो जब नेशनल एंथम हम सब ने एक साथ पढ़ा, उस वक्त जो हार्ट टचिंग मोमेंट था ना, बहुत इन्जॉय था वो। और जिस तरह हमने ये नेशनल एंथम पढ़ के इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा, तो उसी तरह इंशाल्लाह हम आईटी के कोर्सेज़ में भी इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इंडिया हम से आईटी की इंडस्ट्री में बहुत आगे है। तो गवर्नर सिंह ने जो 5 लाख लोगों की जिम्मेदारी ली है, तो उनको आईटी की स्किल्स सिखाएंगे। और तो कि हमारे पास पहले ये नहीं था, बट अब जो है 5 लाख लोग जब आईटी की स्किल्स लेकर निकलेंगे वहाँ गवर्नर हाउस से, तो आईटी इंडस्ट्री में हमारी कैसा बूम आएगा। तो इंशाल्लाह हम लोग आईटी के कोर्सेज़ में भी इंडिया से बहुत आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। तो होप आप लोग को हमारे इस व्लॉग में मज़ा आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके भाग जाएं। बाय बाय।